तो देखिए कैसे होता है सीम, एक गाय का कैसे चढ़ता है। छोटे से पैसे कम पड़ गए 50-1 रुपए, तो इसे भी बेच के ले आएंगे। महीने में 1 या 2 दिन नहाता है, बाकी 10-15 दिन 20 दिन ऐसे ही यूं ही निकल जाए। हाँ हाँ, क्या तो एक बार चेहरा दिखाना। नमस्कार, गोड़ छू के गोड़ लगातनी, तहार लड़का तहार भाई। आज भोजपुरी स्टाइल में ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं गाइस। तो आज हम फुल पावर नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ। तो आज हमारी गैया इसे पकड़ रखे हैं, काहे पकड़ रखे हैं, क्योंकि आज इसका प्रेगनेंसी का डेट आ गया है। तो आज इसमें सिम चढ़ेगा। सिम चढ़ाने के लिए हमने डॉक्टर को बुलाया। पहले तो हमने सोचा कि यार चलते हैं लेके सांड देवता से इनकी जो है गर्भवती करवा देंगे। पहले मम्मी ने बताया कि पहले इसका सिम चढ़ चुका है, तो अब जो है अब नहीं होगा। तो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया आज। डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब का शुभ नाम क्या पड़ेगा बताइए एक बार। सत्येंद्र जी। तो गाइज सत्येंद्र भैया आए हैं आज। तो इन्होंने 2-3 वेरिएंट बताए, जिसमें कि 100 रुपए की है। एक देखिए इसके कान में लग रही है, तो इसके हिसाब से ना ये सरकारी लगी पड़ी है। अब इसका पता नहीं, भैया से बाद में पूछेंगे। तो ये कह रहे हैं इसके हिसाब से 100 रुपए में पड़ जाएगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बछड़ा होगा कि बछिया होगी, कोई गारंटी नहीं रहेगी। और एक 200 रुपए की है, जिसकी गारंटी है कि वो पलटेगा नहीं, मतलब रुक जाएगा, उसमें बाछी होगी कि बच्चा होगा, वो भी गई गारंटी। तीसरे स्टेज में 300 रुपए की दवा है, वो कह रहे भैया कि ये जो है इसमें हम फिक्स करके डालेंगे। अगर बछिया की डालेंगे तो बछिया ही होगी, और बछड़ा की डालेंगे तो बछड़ा ही होगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो अभी सारी चीजें रेडी हो गई है, तो देखिए कैसे होता है सीम, एक गाय का कैसे करता है हम आपको दिखाएंगे आज। Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long. यही भाई लोग, इसकी प्रेगनेंसी की डेट नहीं रहती ना, तो ये छूने भी नहीं देती, इतना हराम खोर है। अब क्या ही बताएं, लेकिन हाँ समय के अनुसार सब कुछ बढ़िया होता है। तो हमारी संतुष्टि होगी कि चलो 300 रुपए ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी मम्मी कह रही है 50 रुपए दे दो। तो गाइज हम नमक रोटी खा के भी अपने घर में खुश रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि गाइज हमने समूह से पैसे लिए थे तकरीबन 61,000 रुपए, और हर महीने तकरीबन 8-1,000 रुपए। और मैंने मम्मी का हाथ इसलिए पकड़ रखा है गाइस, क्योंकि ये भग जाएगी। इसको वीडियो में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें लाने में बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो गाइस हर हफ्ते 1250 रुपए लगते हैं। हम पिछले 3 दिन से मैं घर आया हूँ, घर आए हुए 8 दिन हो गए। पिछले 3 दिन से पैसे के पीछे इतने ज्यादा परेशान है कि पैसे होंगे तो होंगे कैसे जुगाड़। लेकिन ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से और मम्मी के प्यार से हो गए। अभी मम्मी लेके जा रही है, और देखो जी छोटे से पैसे कम पड़ गए 51 रुपए, तो इसे भी बेच के ले आएंगे, ताकि वो जो 50-50 रुपए कम हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे मैनेज। तो ऐसे ऐसे घर परिवार चल रहा है जी। तो भाई लोग अभी आ गया खाना, खाने में है दाल चावल और चटनी, जो कि बन रहा था तभी मुंह में पानी आ गया था कि कब मिलेगा, लेकिन फाइनली आ गया खाने का। तो भाई लोग लाइन कट गए घर से, तो हम आ गए बाहर बगीचे में, और यहाँ पे मैच शुरू होने वाला है थोड़ी एक देर में। और आदमी तो आदमी, जानवरों के देखो क्या हालत हो रखी है। तो ये इस टाइप के जानवर हैं, इनको हमारी भाषा में चमगादड़ कहते हैं, बाकी आपके भाषा में क्या कह रहे हैं कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं। वैसे तो देखने में काफी अच्छे से लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसमें आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, कुछ कह नहीं सकते। क्या हालत बना लल बड़ा, कुछ बा खाए वाला है ये भाषा लागे निकाल के चप्पल से 20 चप्पल मारा तो भाई लोग ये हमारे चाचा जी हैं, बहुत ही तंगी कर दी हैं। अभी हम आए घर से, यहाँ पे चलेगा क्रिकेट, बॉल हमारे हाथ में है। तो धरातल के हिसाब से टीम भी बट गई है, यहाँ से इनका इधर हमारा। गाइज मेरा भाई आज चला जाएगा, हमें बहुत दुख हो रहा है। क्यों छोड़ के जाओगे? आज नहीं जाना है। चलो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ड्रामा कोयले बड़ो लो, नहीं के पैसा तो हाथ उठा दो लोग, नहीं के पैसा। तो
हाँ कहा ले ली बताइए, बताओ 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 बतावा का केरा केरा के तो नहीं लागल ठंडा के लागल बा। अच्छा ठीक बा। तो भाई लोग शाम हो गई है और हमने भी अपना शाम जैसे हुआ उससे शाम के सारे जो काम होते हैं अपना वो भी एकदम ठन ठन गोपाल। तो यहाँ पे आज बर्तन हमें ही धुलने पड़ेंगे, बताऊंगा क्यों। यहाँ पे लालू आ लालू, तो ये गाइस पता नहीं लौकी कौन लाया भाई, लौकी मम्मी ले आई लगता है। तो लालू की कल से डिमांड थी कि भाई यार कोल्ड ड्रिंक पिलवा दो, कोल्ड ड्रिंक पिलवा दो। तो आज इसके इनके इच्छा के अनुसार इन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलवाएंगे, लेके आओ भाई। तो लालू जी, लालू जी खुश हो? तुम्हें मैंने कहा था यार कोक ले आना यार, तुम ये क्या ले आ दी? तो यहाँ पे होगी जी चिल पार्टी और गाय वाय देख रहे हो, जब से मैं घर में ही हूँ फिर भी ये इधर उधर देख रही है। अभी इन्हें बहुत कुछ मिला था मैंने घर से लाके, मम्मी ने भी उबाल रखे थे इनके लिए पखे वगैरह था, तो वो भी मैंने मिला, नहीं खा रही हैं, अब क्या करें यार। तो चलो भाई चेस चेस लालू चेस। तो मम्मी का कहना है कि आज मम्मी का व्रत है ना, मैं भी बताऊंगा अभी कहाँ का व्रत है। तो कह रही है नहीं व्रत है, तो तुम लोग मार रहे हो आज बहुत चतरी। तो भाई लोग ये हमारा घर है जिसमें कि दो कमरे बने हैं, ये ब्रमडम सा, बीच में उधर खाली खाली सी जगह है और ये है गैलरी देखो। और इस गैलरी के अंदर इतना पानी भरा हुआ है ना कि इधर से जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है गाइस, और हमें निकलने के लिए यही रास्ता है। मेरे आस पड़ोस के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी है ना सबने कायदा बंद कर दिया है, जेल के माफी कर दिया है। तो एक खांची गोबर भी हमें घर से लेके जाना पड़ता है ना खेत में, तो वो भी सोचना पड़ता है यार कैसे जाएगा। फिलहाल में जो कि ले ही जाना है अभी मेरे को, तो मैं बता दूं कि आज मेरी माता जी निर्जल एकादशी के उपवास है, भगवान विष्णु माता श्री लक्ष्मी के मतलब ये व्रत होता है, तो उसमें हमारी माता जी आज निर्जल उपवास है, तो उनके भी शरीर में बिल्कुल भी ताकत बची नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इतनी गर्मी में अगर पानी ना मिले तो कैसी हालत हो जाती है, खाना तो दूर की बात है। भाई लोग अपना खेत है और इसमें जनेरा बोए हैं, इसमें भी एक कुछ दिन पहले का जनेरा है और खाद माटी बराबर मिलता रहा है। तो इसकी देखो इसकी कैसी बढ़ने का स्रोत है हमारे खेत के अंदर, देखो जी ना खाद समय से पड़ता ना पानी ना कुछ, भगवान की कैसी लीला है, सब कुछ है लेकिन कर नहीं पाते यार, कहीं ना कहीं रोड़ा पड़ जाता है। तो भाई लोग खेत के उस साइड में ना रोड के साइड में गोबर उबर वहीं पड़ जाता है, अभी डाल के जस्ट मैं इधर को आया, मैं कहा देख लूं कैसे क्या है। तो इसमें पता नहीं कौन सी ये बिरवाई है, मेरे को लगता है कोई सब्जी है ये गाइस। भाई लोग ये लालू है आपने देख ही लिया फैस, अब तो दिखाने की कोई जरूरत ही ना है, इससे कौन मुंह मारे। ये नहाता है, मम्मी का कहना है मम्मी पिछली बार ही कम नहाया था, 10 दिन में 15 दिन में। सबका शरीर स्वस्थ रहता है, इसे बीमारी पकड़ती है, देखो कैसे कंबल उम्बल सब ओढ़ लिया, ये इतना गधा हो गया है कि पूरे महीने में एक या दो दिन नहाता है, बाकी 10-15 दिन 20 दिन ऐसे ही यूं ही निकल जाए। हाँ हाँ कहता है, एक बार चेहरा दिखाना। देखो गाइस देखो, देख लिया ना आपने, तो चल रहा हो चल। तो गाइस ये कह रहा है कि तुम भी नहाओगे मेरे साथ साथ तब मैं नहाऊंगा, तो मैंने कपड़े वगैरह उतार दिए हैं, अब चल क्यों नहीं रहा है। देखो इसके एकदम लेडीजों वाली हाल है, जैसे लेडीज ना रोती हैं वो वाल देखो। अरे राय बना बंद करो, चल रे मऊगा चल, क्या करते कितने नहात में क्या, आखिर में ही बता नहीं, गंदे नहीं, इतना कुत्ते के जैसे ये महक रहा है, कह रहा है कि शरीर गंदा ही नहीं हुआ, पास में सोता है यार कैसे नींद, बड़ी दिक्कत होती है आपको सांस लेने। तो भाई लोग लड़के की जिद पे मैं भी नहाया, एकदम नहा धो के खा पी के एकदम मस्त हो गया जी। और क्या नाम है, यहाँ पे हो रहा है रामलीला, आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे देखने के लिए, वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा, मेरा आपसे वादा रहा। अभी तक जिस भाई ने अभी हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया कर देना, और साथ के साथ लाइक भी कर देना, मैं जा रहा हूँ अभी, देखता हूँ कैसे रहता है, अगर अच्छा लगेगा तो आपको भी दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, जय हिंद जय भारत, राम राम भाइयों, बाय बाय।